देखिए कुछ बच्चों को जो है साइंस बहुत मुश्किल जाता है, बहुत उनको समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं वीडियो बनला, तमाम बच्चों को समझ में आया है और बच्चों की डिमांड है कि साइंस के वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो जो तीसरे सबक का है साइंस फर्स्ट का, कीमियाई तामुलात और मसावत है। बच्चों याद रखो, जब भी आपको जब कोई सवालात पढ़ना है या सबक पढ़ना है साइंस में खास तौर से, तो उसका बेसिक यानी बुनियादी नॉलेज, बुनियादी मालूमात होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास बुनियादी मालूमात है तो आप आसानी से कोई भी सवालात जो है उसके जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि आपको समझा वरेगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे शुरू करता हूं मैं जिसमें आपको मजा भी आने वाला है और आपकी स्टडी भी होने वाली है, ताकि जब समझेगा तो मजा आएगा, समझेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए आपको जो है वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। तो आखिर तक वीडियो को देखिए, अगर ये तमाम चीजें आपको समझ जाती है तो पूरा सबक जो है आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो देखिए, आपका सबक है कीमियाई तामुलात और मसावाते। अब तामुलात क्या, मतलब जो कीमियाई अमल होता है अनासिर के बीच में, जो कीमियाई अमल होता है वो कीमियाई तामुलात है ना। कीमियाई तामुलात में होता क्या है, सबसे पहले कि उसकी साख्त बदल जाएगी, वो उसकी हालत पूरी बदल जाएगी। यहाँ पर कुछ और होगा तो आगे मैं जब तामुलात लूंगा जब बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको। मैं कीमियाई तामुलात और मसावत जब आगे अगले वीडियो में आएंगे जब उसमें बताऊंगा पूरा। अभी जो समझना है आपको बहुत जरूरी है बच्चों, अगर ये आपको समझ जाता है तो आप आसानी से जो है पूरे से आसानी से आप समझ सकते हो। चलिए देखिए, पहला जो है आपको जौहर, आप पढ़ रहे हो जौहर, जौहर के साथ जौहर, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा जौहर, लेकिन आपको पता है कि जौहर क्या है। तो चलिए अपन देखेंगे आज यहाँ पर के जौहर क्या है। दूसरा है अंसर, अंसर भी आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी दूसरे सबक में भी हमने पढ़ा था जो अनासिर की दोहरी जमातबंदी, उसमें भी आपने पढ़ा है अंसर। अंसर क्या है अंसर, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको थोड़ा मालूमात दूंगा मैं, ताकि अगर आपको ये सब छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें अगर आपको समझ में आती है बच्चों, तो आपको जो है सबक वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है मुरक्कब, मुरक्कब क्या होता है, उसकी खसूसियात क्या है, कैसा होता है, मतलब किसे कहते हैं। उसके बाद सालमा क्या है, सालमा आप सुनते हैं, सालमा 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 क्या है। उसके बाद जो है आयन क्या है, आप आयन पढ़ते हो क्या, आयन क्या है। तो ये जो बारीक चीजें हैं इस वीडियो में हम इसका थोड़ा डिटेल में मालूमात लेंगे कि तमाम चीजें होती क्या है, ताकि आपको जो सबक है वो समझने में आसानी हो। तो चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों आप वीडियो में जुड़े रहिए। आप देखिए, पहला देखेंगे हम जो है हमारे पास जौहर। अब जौहर क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटम, है ना, एटम। मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, तो मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज। जौहर क्या है तो मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता दूं, पहले इसको यहाँ से हटा दूं क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेशन लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा, चलिए डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, उसके बाद अब आपको समझ गया मैं जौहर यानी क्या। एटम्स के किसी अंसुर का इंतहाई छोटा जर्रा जौहर कहलाता है। ठीक है, अब जितनी भी चीजें बनी है यहाँ पर, जैसे आप मोबाइल में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल, आप जो कुर्सी पे बैठेंगे वो कुर्सी, जिस टेबल पे आप रखकर पढ़ते होंगे नोटबुक वगैरह, वो नोटबुक, वो टेबल, वो पेंसिल, वो स्केल, वो माउस, वो कंप्यूटर, वो तमाम चीजें जितनी है, पानी, हवा, ये जो हवा, उसके बाद ये जो अपने तमाम चीजें जो है ना, ये छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनी है, बहुत इंतहाई छोटा जर्रा। जितनी भी चीजें हैं वो छोटा जर्रा जो है, जो इन जिससे ये तमाम चीजें मिलकर बनी है, वो जौहर कहलाता है। अब थोड़ा मैं इसको समझा दूं कि देखिए क्या, हम फर्ज कीजिए पहाड़ ले लीजिए, या जिसको रॉक बोलेंगे वो ले लीजिए, तो ये पहाड़ पत्थर ले लीजिए, ये भी क्या है, जौहर से मिलकर बना है। उसके बाद कुर्सी टेबल कंप्यूटर जितनी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्या है, जौहर से मिलकर बना हुआ है तमाम जौहर। पानी, पानी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, पानी वगैरह वाटर, ये भी जौहर से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद गैस ले लो, धुआं ले लो, ये गैसेस जो गैस में जो है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस जितने भी है, ये सब के सब जौहर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब जौहर क्या है बच्चों, कि जो बारीक जर्रा, ये तमाम चीजें ना बारीक 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 जर्रात से मिलकर बनी है। हाँ, ये तमाम चीजें जितनी बताया मैं, जितनी चीजें मौजूद है, जितनी मैंने बोला, जैसे मेरे हाथ में पेन है वो, मेरे हाथ मेरे पास जो लैपटॉप है वो, आपके पास जो मोबाइल है वो, आपके पास जो पेन होंगी वो, तमाम चीजें, पानी की बॉटल वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें जो है बच्चों, ये जर्रात से मिलकर बनी है, और वो एकदम छोटे जर्रे को हम जो है जौहर कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो चीजें बनी है, वो जितनी खसूसियात उन चीजों में है, जितनी खसूसियात उस अंसुर में है, फर्ज कीजिए एक कोयला ले लीजिए, अब कोयले की जितनी खसूसियात है, उसका छोटा जर्रा जो रहेगा उसमें भी वही खसूसियात रहेंगी पूरी जो उसमें खसूसियात है। तो अंसुर की तमाम के तमाम खसूसियात उस छोटे से जर्रे में होती है।
और वो जर्रा कहलाता है एटम, जिन्हें जौहर, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है एटम से मिल मिलकर बनी है, जुड़ जुड़कर बनी है, तो वो छोटी चीज उसको कहते हैं हम जौहर। तो देखिए, अगर ये आपने अगर कहीं चौपाटी जाते होंगे, जुहू पर गए होंगे आपने, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि समुद्र के किनारे इस तरह रेत पड़ी हुई होती है, सैंड जिसको बोलते हैं। तो इसका अगर एक जर्रा निकाल लीजिए आप, वो रेत का सिर्फ एक जर्रा बोल रहा हूं मैं, एक जर्रा, तो वो एक जर्रा निकालेंगे तो उस एक जर्रे में बच्चों पांच जरब 10^19 जौहर होते हैं उस एक जर्रे में, एक जर्रे की बात कर रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना छोटे 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 छोटा। तो अगर हम उसको इतना बारीक कर दे तो वो अपने आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। तो ये ऐसे जितनी भी अंसुर है, जितनी भी चीजें है, या कोई भी अंसुर ले लो, क्योंकि हम यहाँ पर कीमियाई ताम और कीमियाई उसके बारे में पढ़ेंगे, तो कीमियाई चीजें ले ले, चाहे सल्फर ले लो, चाहे आयरन ले लो, चाहे फेरस ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, ये सब चीजें जो है, चाहे वाटर ले लो, चाहे गैस ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, ये सब के सब जौहर से मिलकर ही बनी है। इसको कहते हैं हम जौहर। छोटा इंतहाई जो बारीक जर्रा होता है वो जौहर कहलाता है किसी भी अंसुर का। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको जौहर समझ गया होगा कि जौहर किसे कहते हैं। अगले इस पे आते हैं हम बच्चों, हम अंसर देखिए। अब अंसुर क्या है, तो अंसुर में जो है ना एक ही किस्मों के जौहरात रहते, एक ही किस्मों के जौहर रहेंगे अंसुर में, एक ही जौहर। मुरक्कब दूसरा भी देखेंगे, तो मुरक्कब और अंसुर में फर्क क्या है, एक्चुअल में मुरक्कब क्या और अंसुर क्या। तो अंसुर का मैं लिखता हूं, किसी अंसुर में एक ही किस्मों के जौहर होते हैं। कोई भी अंसुर आप ले लीजिए उसमें एक ही किस्मों के जौहर होंगे। मैं अभी आपको समझाऊंगा तस्वीर बताकर कि किस तरह। और मुरक्कब जो होते हैं, किसी भी मुरक्कब में मुख्तलिफ किस्मों के जौहर होते हैं। तो ये अंसर है, ये मुरक्कब है। अभी आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको समझा देता हूँ, पहले अंसुर को समझाऊंगा उसके बाद मैं मुरक्कब पे आऊंगा। तो पहले अंसुर को आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी अंसुर में, किसी अंसुर में एक ही किस्मों के जौहर होते हैं। ये तस्वीर देखिए, अब इसमें मैंने तस्वीर में मैंने क्या किया है बच्चों, ये तस्वीर में मैंने देखिए आयरन, एल्यूमिनियम, ये आयरन है जिसको आप लोहा कहते हैं हमारी जबान में, लोहा आयरन, एल्यूमिनियम, ये कॉपर, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। इतने अंसुर मैंने यहां पर लिया, ये आपको समझाने के लिए है। तो आप देखेंगे कि अगर लोहे के अंसुर हम देखेंगे तो लोहे को कितना भी हम बारीक करते जाएंगे तो उसका एक इंतहाई बारीक जर्रा पर मिलेगा। तो वो जो जर्रा रहेगा वो सब लोहे में वैसे ही जर्रात रहेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग जर्रात रहेंगे, एक ही किस्मों के जर्रात एक इसमें रहेंगे, ये एक ही किस्मों के जर्रात रहेंगे इसमें जो रहेंगे, ये जर्रात एक ही किस्मों के रहेंगे। अगर एल्यूमिनियम लेंगे तो उसमें जो जर्रात रहेंगे वो भी एक ही किस्मों के रहेंगे, जो एल्यूमिनियम के जर्रात रहेंगे वो सब के सब एक किस्मों के रहेंगे। कॉपर में जो जर्रात रहेंगे वो भी एक किस्मों के रहेंगे, सल्फर में जो जर्रात रहेंगे वो भी एक किस्मों के रहेंगे, ब्रोमीन में जो जर्रात रहेंगे वो भी एक किस्मों के रहेंगे, और क्लोरीन में जो जर्रात है वो सब के सब एक किस्मों के जर्रात रहेंगे। तो ये आंसर में क्या होता है कि एक ही किस्म के जर्रात रहते हैं। अगर लोहे में जो जर्रात है वो सब लो तो पूरे लोहे में वही जर्रात, वही किस्म के। हाँ, ये हो सकता है कि आयरन के जर्रात कॉपर के जर्रात से मुख्तलिफ हो, अलग हो, एल्यूमिनियम के जर्रात कॉपर के जर्रात से मुख्तलिफ हो, यानी एल्यूमिनियम का जौहर कॉपर के जौहर से अलग हो, आयरन का जौहर सल्फर के जौहर से अलग हो, इनमें फर्क हो सकता है। लेकिन एक ही धात में या एक ही अंसर में अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी जौहर रहेंगे वो सब एक टाइप के ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब देखिए, आपको इसके लिए और कुछ समझना है। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया कि ये एलिमेंट्स है, अंसुर जो हम बोलते हैं जिसको, और सिंबल, तो उसकी निशानियां, सिंबल है, उसकी अलामतें हैं। अगर आपको ये सबक पढ़ना है बच्चों तो इसमें से कुछ अलामतें आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये सबक पढ़ेंगे तो उसमें जो कीमियाई जाब्ते आते हैं, कीमियाई मसावतें आती है, उसको लिखने के लिए इस तरह के सिंबल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिंबल लेकर ही हम लिखते हैं। अब इस सिंबल में मैं ये बता रहा हूं कि फर्ज कीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा Al, बेरियम का देखेंगे तो Ba, बोरोन का Be। अगर मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम तो इसका मतलब मैं एल्यूमिनियम के एक जौहर की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर एल्यूमिनियम को यूज करता हूं, Al को लिखता हूं, तो इसका मतलब मैं एल्यूमिनियम के एक जौहर की बात कर रहा हूं। तो याद रखिए, जब भी हम कोई सिंबल लेते हैं तो वो सिंबल जो है उसके एक जौहर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे इसमें सैकड़ों जौहर जौहर क्यों ना हो, तो वो Al जो है वो एक ही जौहर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको समझाने के लिए
मतलब ऐसा उसकी अलामतें ले लेते हैं और उसको एक जौहर पकड़ते हैं कि ये एल का एक जौहर है। ऐसी तरह अगर मैं कॉपर लेता हूं सी यू, तो इसका मतलब मैं कॉपर के एक जौहर की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम मसावाते और वो लिखेंगे तो हमको ये इस्तेमाल होना, कॉपर मतलब उसका एक जौहर, समझ में, जितने भी उसके अंदर। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो ये जो सिंबल है, ये जो अलामतें हैं बच्चों, फ्लोरिन की एफ, कोल्ड की गोल्ड की एयू, हाइड्रोजन की एच, आयोडीन की आई, आयरन की एफ ई, लीड की पी बी, एम जी की, मैग्नीशियम की एम जी, नियोन की एन ई, नाइट्रोजन की एन, ये तमाम जो निशानियां ना, ये आपको याद होना जरूरी है। तो आप इतनी थोड़ी से कम निशानियां, ये बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन आपको इतनी निशानियों की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो उसमें भी आपको जो मेन मेन निशानियां है वो अच्छे से अगर आपको याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो मसावात है, जो जाप्ते हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये जो मैंने बताया आपको, याद रखिए कि अंसुर में एक ही किस्मों के जौहर होते हैं, उसमें अलग अलग जौहर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहां पर मैं, आप गौर करेंगे तो ये सिंगल सिंगल डॉट है, मतलब ये, और यहां पर रहेंगे तो जुड़े हुए हैं, ये डबल डबल है। तो इसके बारे में बताता हूं क्योंकि हमारा टॉपिक इसके ऊपर ही है। देखिए तो आगे चलते, तो ये जुड़ी हुई चीजें क्या है और ये अलग अलग क्या है, मतलब यहाँ पर जौहर अलग अलग और यहाँ पर जोड़ दिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। तो अब हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए हमारा अगला टॉपिक है सालमा। अब सालमा क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, आठवीं में पढ़े होंगे, सातवीं में पढ़े होंगे, छठी में पढ़े होंगे, नौवीं में पढ़े होंगे सालमा। तो आपको सालमा मालूम होना चाहिए, जब तक सालमा आपको मालूम नहीं होगा तो आप सबक कैसे पढ़ पाएंगे, कीमियाई तामुलात और कीमियाई मसावात। तो सालमा क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। तो देखिए बाज अनासिर के जौहर आजादाना हालत में रह सकते हैं, तो कुछ अंसुर के जौहर जो है ना वो आजादाना हालत में होते हैं, आजादाना हालत में होते हैं, मतलब कई अनासिर के जौहर जो आजादाना हालत में होते हैं, कई अनासिर के जो आजादाना हालत में नहीं होते, आजाद नहीं होते। तो ऐसे अंसुर देखिए, मैं पहले तस्वीर बता दूं आपको, ये तस्वीर जो मैंने पीछे बताया आपको, अब यहां पर गौर कीजिए, ये नंबर एक देखिए यहां पर, तो आप गौर करेंगे यहां पर, जरा मैं पेन ले लूं पहले, ये नंबर एक देखिए आप, ये नंबर दो देखिए, ये नंबर तीन, ये नंबर चार, और नंबर पांच और छह को देखिए जो लिया मैंने, ये ब्रोमीन और क्लोरीन को देखिए, बाकी देखिए ये धात है और ये जो है ये हमारे पे माय है और ये धात है ना। अब यहां पर देखिए ये ठोस है और ये माय है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, बाज अनासिर के जौहर आजादाना हालत में होते हैं, हाँ आजादाना हालत में होते हैं। अब यहां पर देखिए जो आयरन के जौहर है वो आजाद है, वो आजादाना हालत में आयरन में रह सकते हैं। एल्यूमिनियम के जौहर जो आजादाना हालत में एल्यूमिनियम में रह सकते हैं। कॉपर के जौहर आजादाना हालत में रह सकते हैं। सल्फर के जौहर आजादाना हालत में रह सकते हैं। लेकिन जैसे हम ब्रोमीन में आएंगे तो ये यहां जो उसके जौहर है ब्रोमीन के, वो आजाद हालत में नहीं रह सकते। तो क्या करते हैं बच्चों, वो ब्रोमीन का एक जौहर अकेला नहीं रह सकता, तो वो अपने एक दूसरे जौहर को मिला लेता है साथ में, और ये दोनों मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे मैं बता रहा हूं कि ब्रोमीन का एक जौहर ब्रोमीन के दूसरे जौहर से मिल जाता है, जोड़ी बना बना के रहते हैं। अगर आप ब्रोमीन को देखेंगे तो उसमें जो जौहर की कंडीशन आपको मिलेंगी वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, दो जौहर एक दूसरे जुड़े हुए रहेंगे ब्रोमीन में, और ये जौहर एक दूसरे से जुड़ के सेम टू सेम क्लोरीन में भी होगा, क्लोरीन की भी दो जौहर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जौहर जो है वो आजाद हालत में नहीं रह सकते। जब ये आजाद हालत में नहीं रह सकते तो ये अपने साथ अपने दूसरे पार्टनर जोड़ी को ले लेते हैं और ये दोनों जौहर मिलकर बनाते हैं सालमा, इसी को हम कहते हैं सालमा। यहां पर सालमा नहीं है, यहां पर सिर्फ जौहर है, लेकिन यहां पर दो जौहर एक साथ मिल गए तो वो बन गया सालमा, इसको कहते हैं हम सालमा बच्चों। क्योंकि यहां पर जौहर आजाद हो ही नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो वो जोड़ी से पकड़ के रहते हैं और इसी को हम कहते हैं बच्चों स्टूडेंट सालमा, याद रखिए। तो क्या करते हैं, जिन अनासिर के जौहर आजादाना हालत में नहीं रह सकते वो सालमे की तश्कील करते हैं, तो फिर वो सालमा बना के रहते हैं, मतलब जोड़ी जिसको हम बोलेंगे वो सालमा बना के रहते हैं, भाई तो मेरे साथ तो मेरे साथ ऐसा जोड़ी बना कर रहते हैं। तो ये जो है कुछ अनासिर में आजादाना हालत में हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जिसमें आजादाना हालत में नहीं रह सकते, इसलिए हम ब्रोमीन को लिखते हैं बी आर टू, यानी बी आर के दो जौहर एक साथ। क्लोरीन को लिखते हैं सी एल टू, यानी क्लोरीन के दो जौहर एक साथ। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बता रहा हूं?
हाँ, तो ये साल में होगा, ये ब्रोमीन का सालमा, ये क्लोरीन का सालमा। Al को मैं Al2 नहीं लिख सकता हूं, Al को Al ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जौहर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जौहर नहीं बल्कि ये सालमे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो Cl का मतलब एक जौहर हो गया, और Cl2 लगा दू तो ये सालमा हो जाएगा, तो इसको सालमा कहते हैं। Br का मतलब एक जौहर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं Br2 लगा दूंगा तो ये सालमा हो जाएगा। तो जो ब्रोमीन, क्लोरीन और ऐसे बहुत से अनासिर है जो अकेले नहीं रह सकते, इनके जौहर अकेले नहीं रह सकते, आजाद नहीं रह सकते, तो वो सालमा बनाकर रहते हैं। तो ये है बच्चों सालमा। उम्मीद करता हूं आपको सालमा और ब्रोमीन और क्लोरीन, ये आपको जो है क्या ऐसे आजाद हालात में रहते हैं, और जो आजाद हालात में नहीं रहते हैं वो सालमा बना के रहते हैं, तो आपको सालमा अभी समझ में आ गया होगा, तो किसको कहते हैं सालमा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये, अभी आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा अगला टॉपिक लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास मुरक्कब। अब मुरक्कब, मुरक्कब के बारे में क्या लिखा था मैंने, किसी मुरक्कब में मुख्तलिफ किस्मों के जौहर होते हैं। अब जैसे मैंने आपको अंसर का बताया कि अंसुर में एक ही किस्म के जौहर होंगे, उसमें दूसरे टाइप के जौहर हो ही नहीं सकते। हाँ, दो अंसुर के जौहर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक अंसुर में दो टाइप के जौहर नहीं हो सकते। लेकिन मुरक्कब में ऐसा नहीं होता, मुरक्कब में दो से जायद किस्मों के जौहर भी हो सकते हैं। तो मुरक्कब की तारीफ लिख लू, दो या जायद अनासिर के जौहर के साल में, जौहर या साल में मुतायन तनासुब में कीमियाई मिलाप करते हैं। आप देखिए, मुरक्कब कब बनता है, जब दो अनासिर या दो से जायद अनासिर एक दूसरे के साथ कीमियाई मिलाप कर रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उनका कीमियाई मिलाप हो रहा है। और कौन कीमियाई मिलाप कौन करता है, जौहर करेगा या सालमा करेगा, ये कीमियाई मिलाप करते हैं, है ना। तो जौहर और सालमे में जब कीमियाई मिलाप करते हैं ये अनासिर, तो उसमें जो मुतायन तनासुब के साथ कीमियाई मिलाप होता है तो वो मुरक्कब तैयार होता है यहां पर। अब देखिए, जैसे अभी फर्ज कर लीजिए, पानी ले लीजिए, ये वाटर है, ठीक है। दूसरा नमक ले लीजिए, ये आम नमक जो हम घर में खाते हैं, खाने में जो डालते हैं, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, चूने का पत्थर, जिसमें घर में हम चूना लगाते, ये वो पत्थर। तो ये जो है ना, ये सब मुरक्कब है बच्चों। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो मुझको मिलेगा H2O, ये जाप्ता है इसका, इसका जाप्ता है NaCl, इसका जाप्ता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, पानी। तो ये जो है ना, ये मुरक्कब है बच्चों, ये सब के सब मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है। क्यों मुरक्कब है, क्योंकि इसमें एक किस्म के जौहर नहीं रहेंगे। जैसे हमने आयरन में देखा था, यानी लोहा जिसको फेरस कहेंगे हम, फेरस में एक ही किस्म के जौहर रहेंगे, लेकिन पानी में एक किस्म के जौहर नहीं है। तो आप गौर करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के दो जौहर है, मतलब हाइड्रोजन का सालमा हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, सालमा हो गया, और ऑक्सीजन का एक जौहर हो गया। तो जो सालमा और जौहर क्या लिखाया था मैंने, सालमे और जौहर कीमियाई मिलाप से मुरक्कब बनते हैं। तो ये सालमे और जौहर के, तो यहां पर हाइड्रोजन के दो जौहर यानी सालमा है और ऑक्सीजन का एक जौहर है, ठीक है। तो ये दोनों के मिलाप से पानी बना है, यानी पानी अकेली चीज नहीं है, अकेला अंसुर नहीं है, इसके अंदर एक और अंसुर मिला हुआ है, वो है ऑक्सीजन, और दूसरा अंसुर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर ये पानी बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं मुरक्कब, ये है ना, समझ में आ गया। तो इसके अंदर अगर मैं आप यहां पर बनाऊंगा, देखिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, तो इसकी जो बनेंगी आपको हाइड्रोजन के साथ दो जौहर जो ऑक्सीजन को जुड़कर रहते हैं और मुरक्कब तैयार होता है। देखिए इस तरह, ये हाइड्रोजन के दो जौहर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और इस तरह पूरे पानी में ये सब मिलकर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जुड़े हुए, मिलकर ही पानी बनता है। इसीलिए पानी का जो जाप्ता है वो H2O। और ये याद रखिए, ये जाप्ते ही हमको बताते हैं कि इसमें कौन से अंसुर मौजूद है, ये जाप्ते ही हमको बताएंगे कि कौन सा अंसुर मौजूद है। तो यहां पर पानी का जाप्ता H2O, तो ये जाप्ता बता रहा हमको कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब नीचे आते हैं, तो यहां पर जो पानी में जितना भी, जब ये जो पानी है ये कैसा बना हुआ है, इस तरह है, पूरे दो हाइड्रोजन के जौहर एक ऑक्सीजन को मिला हुआ, दो हाइड्रोजन के जौहर ऑक्सीजन को मिला, ये इस तरह ये पानी बना हुआ है। ये तो ये पानी एक मुरक्कब है। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड पे बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड है जिसका जाप्ता है NaCl। तो ये जाप्ता ही बता रहा है कि इसमें जो है सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, क्या है, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है।
आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था सीएल टू क्लोरीन का सालमा सीएल टू है। हाँ, तो ये बना किससे है? ये सोडियम और सीएल टू से मिलकर बना है ना बच्चों। मैंने बोला देखो सीएल टू लिखा ना मैंने यहां पर, इन दोनों से मिलकर बना NaCl। हाँ, इन दोनों के कीमियाई मिलाप से बना। तो यहां पर सीएल का सालमे से ही मिला है, ये सीएल के सालमे से मिला है, याद रखिए। ये जो है सीएल के सालमे से सोडियम मिला तो NaCl बना। अब इसको बैलेंस करना, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको मसावत को बैलेंस कैसे करते हैं। यहां दो लगा देंगे तो दो सीएल हो जाएगा, तो ये वैसे हो गया। लेकिन जाप्ता जो है जाप्ता नहीं बदलेगा, भले ही ये जो यहां पर सालमे की तादाद है वो दो ही रहेंगी, तो उसको हमको मसावत को मुतवाजुन करना पड़ता है। तो यहां पर जो है बच्चों ये जो है ना ये NaCl सोडियम क्लोराइड का जाप्ता है, इसलिए जाप्ते को बदलना नहीं है। अब मैंने बताया आपको कि यहां पर सालमा मिला, क्लोरीन का सालमा मिला, उससे मिलकर ही बनाया सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने यहां पर आपको मसावत बताया था अभी। तो ये सोडियम और क्लोरीन इसमें दो है, क्योंकि इसमें दो अंसुर है। तो क्या बोलता है, किसी मुरक्कब में मुख्तलिफ किसके जौहर होते हैं, तो यहां पर सोडियम का जौहर है और क्लोरीन का जौहर है, या क्लोरीन का सालमा भी बोल सकते हैं आप। दोनों मिलकर यहां पर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसको हम आम खाने का नमक कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका जो बनेगा, देखिए एक सोडियम का जौहर और एक क्लोरीन का, दोनों ने मिल लिया तो यहां पर सोडियम क्लोराइड यहां पर हमको हासिल हुआ। इसका मतलब ये नमक में जो जौहर होंगे वो सब इस तरह होंगे, एक दूसरे से सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, इस तरह ये नमक के जो है इसमें मुरक्कब में इस तरह के जौहर जो है वो मौजूद होंगे। तो ये पानी एक मुरक्कब था और सोडियम क्लोराइड एक मुरक्कब है। अगले मुरक्कब पे आते, देखिए यहां पर दो दो अंसुर मिला, लेकिन यहां पर जो है कई तीन अंसुर के जौहर यहां पर है, कैल्शियम का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है। तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप गौर करेंगे तो यहां पर कैल्शियम का जौहर है, कार्बन का जौहर है, ऑक्सीजन का जौहर है। तो ऑक्सीजन जौहर किससे मिला हुआ है? कैल्शियम के साथ जुड़े हुए। तो इस तरह हम ऑक्सीजन को कैल्शियम के साथ जोड़ सकते हैं, ये कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम ये कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ओ ओ ओ, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ जुड़ा है और ये जुड़कर बनाता है कार्बोनेट, याद रखिए इसको, ये जुड़कर बनाता है कार्बोनेट। जब भी कार्बन के साथ अगर तीन ओ मिल जाते हैं आपको, तो ये बनेगा कार्बोनेट। क्या बनेगा? कार्बोनेट, याद रखिए। तो हम बोलते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये इस तरह कार्बोनेट बना है, ठीक है। तो ये यहां पर याद रखिए, और कैल्शियम जो है इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा इस तरह। तो ये जो ऑक्सीजन के जो जौहर है वो कार्बन के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसका मतलब यहां पर जो बनेगा, तो मैं बना के बता दूं आपको किस तरह यहां पर सालमे बनेंगे, इसके मॉलिक्यूल किस तरह बनेंगे। तो ये सालमे है, ये सालमे जुड़ गए मतलब सालमे बन गए। तो कोई भी मुरक्कब जो है वो सालमा बना सकता है, सब अंसुर सालमा नहीं बनाते, जैसे मैंने ब्रोमीन क्लोरीन बताया था, लेकिन जितने भी मुरक्कब है वो सालमा ही बनाएंगे। ये एक सालमा हो गया जो पानी का सालमा कहलाता है, ये एक सालमा हो गया जो सोडियम क्लोराइड का सालमा कहलाता है, ये एक सालमा हो गया जो कैल्शियम कार्बोनेट का सालमा कहलाता है। तो जितने जो मुरक्कब है वो सालमात बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सालमात बनाते हैं, और जितने अंसुर है उनके अंदर जौहर होते हैं। तो हर मुरक्कब में जो आपको सालमा मिलेगा, लेकिन हर अंसुर में सालमा नहीं मिलेगा। अगर जैसे मैंने बताया था आपको एल्यूमिनियम ले लिए, तो एल्यूमिनियम ने मुरक्कब है, इसमें सालमात नहीं होंगे, ठीक है, तो याद रखिए। तो ये इस तरह है। तो ये जो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट चूने का जो पत्थर है, इसमें फिर इस तरह सब मिल मिलके जो है ये सालमात जो मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ये बनता कैसे है? ये कीमियाई अमल से बनता। किसके किसके कीमियाई अमल से बनेगा? कैल्शियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के कीमियाई अमल से बनेगा। ये सोडियम के, क्लोरीन के कीमियाई अमल से बनेगा। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई अमल से, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, हाइड्रोजन कीमियाई और ऑक्सीजन का कीमियाई अमल होता है, उसके बाद नीचे जो है वो बारिश बन के बरसती है। तो याद रखिए बच्चों, जब ऊपर रहेंगे तो ये बारिश नहीं रहती है, बल्कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की सूरत में रहते हैं ना, बादल जो दिखते हैं आपको, जब वो बरसता है तो एक साथ बरसता है, तो ये सालमा बन के यहाँ पर नीचे हमको पानी की सूरत में जो है हासिल होता है। तो ये था बच्चों मुरक्कब। तो मुरक्कब आपको समझ में आ गया होगा कि मुरक्कब यानी कई अंसुर का जो है उसमें किस्मों के जौहर मौजूद होते हैं, और जौहर और सालमे मिलाकर ही जो है मुरक्कब तैयार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारा, जो आप देखिए आयन। अब ये आयन क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। आप पढ़ते आ रहे आयन आयन आयन, फर्ज कीजिए ये एक्स जौहर ले लिया मैंने कोई भी अंसुर का है, तो इसको मैं नाम देता हूं एक्स, ये एक्स दे दिया नाम। दूसरा एक लेता हूं,
इसको नाम दे देता हूँ वाई, ये कोई भी आंसर का, मैंने नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए मुझे आपको, और फर्ज कीजिए कोई जेड आंसर का जोहर है, ये एक्स आंसर है, एक्स वाई जेड जो भी आंसर होंगे उनके ये जोहर है। अब फर्ज कीजिए यहां पर जो है, यहां पर मैं लिख लू जरा आपको बता दू कि फर्ज कीजिए यहां पर जो है, अब जौहर में क्या होता है आपको यह समझना चाहिए, जौहर में क्या होता है, जौहर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा, मैंने आपको जो है अनासिर की दौरी जमात बंदी में बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने एक जौहर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है मसावी होती है, और इलेक्ट्रॉन जो माइनस होता है प्रोटॉन जो है वो प्लस होता है। अब फर्ज कीजिए इसमें पांच इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी पांच हुए क्योंकि दोनों की तादाद मसावी होगी। अब दूसरे पे आता हूं मैं, तो दूसरे पे आप गौर करोगे बच्चों, ये जो आंसर लिया मैंने वाई है, फर्ज कीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो निगेटिव होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन भी हो गया, वो बाद में न्यूट्रॉन का जरूरत नहीं हमको। अब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन भी हुए, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होते हैं, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज ये याद रखिए। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहां पर जो कुल चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज इसको बोलेंगे, कुल चार्ज टोटल चार्ज वो कितना हो जाएगा इस जौहर में, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है, तो आपको पता है ये प्रोटॉन प्लस माइनस तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहां पर नेट चार्ज जीरो मिलेगा आपको, कितना मिलेगा जीरो सिफर। यहां पर भी ऐसी होगा क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, तो 10 माइनस 10 तो यहां पर प्लस माइनस माइनस, ऐसा समझ लीजिए आप मैथ समझ के, तो यहां पर भी टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो हो गया। अब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है 7 प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस में है ये निगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस तो यहां भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे हर अंशुल के जौहर में बच्चों नेट चार्ज जो होता है हा? टोटल चार्ज जो होता है वो जीरो होता है हर अंशुर में, आप जो भी अंशुर लेंगे उसमें जीरो मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतने प्रोटॉन तो जीरो। लेकिन अगर मैं और बनाता हूं, देखिए ये एक्स बनाया मैंने, फिर ये वाई बनाया और ये जेड बनाया, ये तीनों को वापस बनाया। अब फर्ज कीजिए बच्चों कि यहां पर जो है पांच इलेक्ट्रॉन है और पांच प्रोटॉन है प्लस में। अब अगर मैं इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, यहां पर ये ले रहा है बाहर से, अंदर नहीं है, ठीक है, यहां पर ले रहा है, समझ लीजिए ये बाहर से ले रहा है, अंदर तो दोनों मसावी रहेंगे लेकिन ये बाहर से ले रहा है, तो बाहर से लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 6 निगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये बाहर से लिया उसने। क्यों? क्योंकि जब कीमियाई मिलाप होता है किसी भी जौहर अंशुर के दरमियान में, जब कीमियाई मिलाप होता है तो कीमियाई मिलाप का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो फर्ज कीजिए ये किसी से कीमियाई मिलाप कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज हो गए और 5 पॉजिटिव यहां पर हो गए, ये होते नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 किया तो यहां पर प्लस एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो ये एक चार्ज एक्स्ट्रा आया। अब इधर आते हैं, अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इसने कीमियाई मिलाप में 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो यहां पर क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, सॉरी यहां पर जो माइनस आएगा हमारा क्योंकि 6 बड़ा है ना, तो ये जो है बच्चों ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव रहेगा, इसको मैं निगेटिव कर देता हूं जरा सा, इसको यहां जो चार्ज रहेगा क्योंकि 6 बड़ा है तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज हमको मिलेगा, ठीक है, इसको जरा व्हाइट पेन ले लू, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया इसने, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन बचे, अब बताइए यहां पर जो हमको मिलेगा तो 10 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 खो दिया इसने, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, नेट चार्ज जो बचेगा यहां पर वो एक्स्ट्रा 2 प्लस 2 रहेगा है ना, नेट चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इसने खो दिया है तो नेट चार्ज बचा, खोने के बाद इतना बचा यहां पर चार्ज, यहां पर लेने के बाद एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया यहां पर। अब ऐसे यहां पर अगर 7 इलेक्ट्रॉन है माइनस और 7 प्रोटॉन है, और अगर ये 3
इलेक्ट्रॉन खो देता है, अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन खो देता है या एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो यहां पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके पास। समझ में आ रहा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहां इसने खो दिया था तो दो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेट चार्ज इसको मिलेगा हमको, दस में से अगर हम आठ निकालेंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हमको यहां पर, ये कुल चार्ज होगा, टोटल चार्ज। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर तीन इलेक्ट्रॉन खोलता है तो प्लस तीन पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमको मिलेगा बच्चों। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? और ये जो कुल चार्ज जो हमारे पास बच रहा है इसी को हम कहते हैं आयन, यही रहता है हमारा आयन जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहता है। समझ में आया, इसी को कहते हैं पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, मस्बत आयन और मनफी आयन। समझ में आया, तो ये है आयन। अगर आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाती है तो अगला वीडियो जो मैं जब पढ़ाऊंगा जाप्ते और मसावत किस तरह बनाना है, किस तरह लिखना है मसावत को, और फिर कीमियाई मसावत होती क्या है, कीमियाई मिलाप तामुलात क्या है, वो सब हम इस सबक में पढ़ेंगे। जाप्ते कैसे लिखना है, उसका मसावत का मरहला क्या है, वो सब इस सबक में पढ़ेंगे। लेकिन अगले वीडियो में, अब की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।